शोहरों की और सासों की और ये जितनी भी डिमांड्स है ये इस लेवल की नहीं है कि आपको टाइम ना मिल रहा हो, टाइम फिर भी मिलता। साहिल भाई मेरा आपसे एक ये सवाल है कि व्हाट आर द पोटेंशियल सॉल्यूशंस टू अचीविंग द लास्टिंग पीस इन फिलिस्तीन एंड इजराइल एंड हाउ कैन वी एज अ यूथ कंट्रीब्यूट ग्लोबली इन इंक्लूडिंग यू नो द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फिलिस्तीन एंड। आप जिस तरीके से ना, आपको पता फेसबुक किसने बनाई थी? कॉलेज की लड़कियां ताड़ने के लिए बनाई थी, पता ना आपको? सोचें दादा, अभी तक पाकिस्तान के अंदर स्टूडेंट्स ने अपना नेटवर्क क्यों नहीं बनाया, स्पेशली सॉफ्टवेयर के लोगों? मुझे वो नेटवर्क पता क्यों चाहिए, वो एप्लीकेशन क्यों चाहिए, वो प्लेटफॉर्म क्यों चाहिए? ताकि 20 और 30 साल के बीच के जो यूथ की एनर्जी है ना, वो चैनल की जा सके। अगर मेरे पास या किसी के पास भी स्टूडेंट बॉडी पाकिस्तान ये एक प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट हो गई, सारी ना भी हुई, 50-30-40-60% कनेक्ट हो गई, पाकिस्तान की भागदौड़ मेरे हाथ में। पाकिस्तानी फौज जाएगी फिलिस्तीन लड़ाई करने, आप लोग लेकिन आइसोलेशन में खेल रहे हैं सारा कुछ। यू गाइस डोंट रियलाइज दैट स्टूडेंट्स कनेक्ट विद स्टूडेंट्स बिकॉज कम्युनिटी एक है, जोन एक है, साइकोलॉजी एक है, एज एक है, डेमोग्राफिक एक है, इतनी सारी कॉमनलिटीज है, कम्युनिटी नहीं बन रही आपकी। क्यों? क्योंकि कोई काम की बात करने वाला स्टूडेंट मिल नहीं रहा, कन्विंस नहीं कर सक रहा। पावर आपको 100 साल पहले आपकी एज में लोग मरने की तैयारियां करते थे कि मैंने अचीव जो करना था कर लिया, बिग बिग बैटल्स हैव बीन वॉन, आपने अभी तक लड़ाई शुरू भी नहीं की। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, किसी ने हम सबको गलत पट्टी पढ़ाई है कि अभी छोटे हो, गलत पट्टी पढ़ाई है, वो है असली बीमार आदमी। यू गाइस शुड हैव बीन फंक्शनिंग। दो या तीन एवेन्यूज में से किसी एक में भी अगर आपने फंक्शनिंग परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस तो ये होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट ना भी हो, एज ग्रुप पे तो कनेक्शन आ जाता। स्टूडेंट का बहुत आसान होता है कनेक्शन, बिकॉज फियर एक जैसा होता है स्टूडेंट्स का, स्टेक्स एक जैसे होते हैं, लिंक्डइन पे सारे कनेक्ट हो जाते नौकरी के लिए, मगर फलस्तीन पे कोई कनेक्ट नहीं हो रहा। आसान है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स इजी। इज इट हार्ड टू अंडरस्टैंड? नो, इट्स नॉट हार्ड, बट इट इज हार्ड टू डू, बिकॉज हमें, मैं स्टूडेंट से कनेक्ट नहीं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं, यू आर द स्टूडेंट। मैं आपके सामने इस्लाम को इसलिए प्रोजेक्ट करता हूं, मेरे और आपके बीच में कॉमन इस्लाम है, मेरे और आपके बीच में एज कॉमन होती, फिर आप देखते हैं मेरी फ्रीक्वेंसी कैसे ट्रैवल करती है आपके थ्रू। आपकी फ्रीक्वेंसी कॉमन है, आप लोग रेडियो चैनल ट्यून ही नहीं कर रहे। पाकिस्तान में जितने स्टूडेंट्स हैं, फलस्तीन की आबादी 1%, मतलब इतना छोटा है फलस्तीन कंपेयर टू जितनी आबादी स्टूडेंट्स की पाकिस्तान में। यू आर द फोर्स, यू हैव द प्रेशर पॉइंट, यू हैव द सेम स्टेक्स, सेम फियर, सेम डेफिनेशंस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर्स। All you have to do is be convincing that people will come to your kind of platforms. Make those kind of, उसके लिए तो gender नहीं चाहिए होता, software engineering तो देखता लड़की की उंगलियां लड़के की, computer को तो नहीं पता होता ना। Another field where you're not performing even though level playing field. So आपसे मैं क्यों कह रहा हूं, you're way more into understanding के physically भी कहीं जो को मैं networks बनानी पड़ती, लड़कियां शायद ना कर सकें, मगर अब वो दौर नहीं है। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट एवरी स्टूडेंट, एवरी बिलो 30 के जितने पाकिस्तानी इस वक्त हैं, उसका अगर 10% भी अगर आप मोबिलाइज कर सके ना, तो पाकिस्तान आपके कंट्रोल में। लिटिल, यू आर द वोट्स, यू आर द बिगेस्ट प्रेशर, जो कि नवाज शरीफ हो या आर्मी हो या सिविल हो, सबको पता होगा, द फोर्स टू रेकन विद is this generation। आपको तो किसी और एंटाइटलमेंट की भी जरूरत नहीं है, प्लस यू हैव नो स्टेक्स, यू हैव नथिंग टू लूज, आई डोंट नो व्हाई यू नॉट डूइंग इट। या तो ना करियर टैंक होने आपका, आपके तो करियर भी नहीं स्टार्ट हुआ, और आपकी एनर्जी की जोन सबसे ज्यादा है, आपकी सबसे ज्यादा ब्लाइंड एनर्जी बोलते हैं इसको डम एनर्जी बोलते हैं, आपकी डम एनर्जी भी सबसे ज्यादा है।
मतलब आप दिमाग में जाकर टक्कर मार सकते हैं आप, और कोई नहीं मार सकता, वो भी सबसे ज्यादा आपकी है, फिर भी नहीं कर रहे। तो अल्लामा इकबाल ने कहा था ना, मुझे आपके गुलाम होने पे नहीं मसला, मुझे आपकी गुलामी के अंदर खुश होने पे मसला है। हाउ आर यू ओके, हाउ आर यू स्माइलिंग एट योर इन योर एज। फलस्तीन का मसला आप लोगों को चाहिए था अपने बड़ों को गिरेबान से चाक कर देते कि आप लोग कर क्या रहे हैं। आपकी एज में तो वैसे ही एक एनर्जी पीक पे होती है और जज्बात पीक पे होते हैं। आपको कितना किसने डोसाइल कर दिया है? हाउ आर यू बिहेविंग लाइक ओल्ड मैन? ये इतनी मैच्योरिटी आ गई आपके अंदर, पेपर में तो ही नजर आती। इतने मैच्योर एज के ऊपर बंदा आके थक जाता है कि यार मुझसे नहीं होता। आपकी एज में तो वैसे ही बंदा ज्यादा जज्बाती होता है कि मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहे फलस्तीन की बच्चे मरते हुए। बट नो, यू गाइस आर ओके विद दिस? दैट्स अ प्रॉब्लम जो डेमोग्राफिकली देखा जाता है, बचलता कौम मरी हुई है कि जिंदा है, वो बाबा को देख के नहीं बचलता, वो लड़कों और लड़कियों को देख के बचलता है, वो बच्चों और बच्चे को देख के नहीं बचलता। आपकी एज में बचलता है टेम्परेचर क्या है एक कौम का। यू आर द थर्मामीटर, इफ यू आर नॉट फीलिंग द पेन, आई एम सॉरी। अब आपको जो बिगर क्वेश्चन है उसका सोल्यूशन आसान है, मैं आपको फिर बता दूं, बायस होकर नहीं बता रहा हूं, बिकॉज मैं मुसलमान हूं तो मैं ये बता दूं, फलस्तीन का सोल्यूशन वही है जो किसी भी और मौके पे इस तरह का वाकया हो जाए तो सोल्यूशन है। लेट्स बी अनबायस्ड। इसराइल, यहूदियों की बात नहीं कर रहा मैं, ओके, इसराइल का ना होना पूरी दुनिया में एक रिलीफ की लहर लेके आएगा। इसराइल का ना होना, इसराइल के होने से पूरी दुनिया के जितने मुल्क और जितना पैसा इन्वॉल्व हो चुका है, अगर दुनिया के जी शोर फिलोसफर किताबें लिखना शुरू करें तो पता चलेगा कि पिछले 1896 से लेके 1890 से लेके चलें, दुनिया को जितना इस खित्ते ने दो नंबरी में इन्वॉल्व करके पैसा लगवाया, जाने जाया की, और किसी मौके पे ये वाकया हिस्ट्री में नहीं हुआ। इन द बिग पिक्चर दिस वाज द एक्नी ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन राइट नाउ। ये है वो फोड़ा निकल आया हमें जो 100 साल से पूरे जिसम को तकलीफ दे रहा, पूरे दुनिया के हर मुल्क को इन्वॉल्व करके रखा हुआ है, और हर मुल्क पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, हर मुल्क जाने दिलवा रहा है इनको, हर वक्त की अटेंशन इसराइल की वजह से हर वक्त लगी रहती है। ये जब नहीं था तो दुनिया कुछ और मामलात में और प्रोडक्टिव मामलात में थी, अब टाइम ही नहीं मिल रहा। सो द एक्चुअल सोल्यूशन इज टू डिसमेंटल दैट फिलोसफी थ्रू विच, कल फॉर एग्जाम्पल गुरु नानक की कोई किताब मिल जाए और सारे सिख हसन अब्दाल पहुंच जाए, हमारी प्रोमिस लैंड है, और अमरीका आए एक और बेलफोर की तरह की डिक्लेरेशन और हसन अब्दाल के अंदर इसराइल शुरू हो जाए और 15 साल के अंदर पूरा पंजाब सिखों के पास पहुंच जाए। ये है वो बेसिस पुत्र रिशा, ये बेसिस है। सो आई एम नॉट सेइंग यहूदी मार दो, इस्लाम में किसी भी मजहब को उसके मजहब की वजह से कत्ल नहीं कर सकते आप। यहूदी तो बल्कि रिकग्नाइज दीन है, इनको तो अल्लाह ने इनके दीन में भी लुटाया कुरान में कि जाओ हमारे लिए लॉ नहीं मानते, अपने लॉ मान लो, वो भी अल्लाह ने लिखी, ठीक है। यहूदियों को रहने में कोई मसला नहीं, इसराइल रहने नहीं देना। ये सिर्फ मुसलमान की अपील नहीं है, ये किसी भी जी शोर कम्युनिस्ट की भी अपील नहीं है कि यार ये कैंसर बन चुका है भाई, इधर यू टेक आउट द सेल बिकॉज यू नॉट गोना बी एबल टू ट्रीट इट। हाउ आर यू गोना टेक इट आउट? उसके 2-3 तरीके, इनमें से एक तरीका इस वक्त का मैं आपको बता रहा हूं। पहले इस तरह के मुल्क जैसे पाकिस्तान है, ये मोबिलाइज हों ताकि एटलीस्ट वो बढ़ने से तो रोके ना बीमारी को, आईसीयू में तो डालना है, पहले उसको ट्रांसफ्यूजन तो करें, गंदा खून निकाल के साफ खून तो आए, बड़े तो नहीं आए बीमारी। जी बाय द वे, आपको मुसलमान जितने भी मिल रहे ना इस वक्त स्पेशली मीडिया में, वो समहाउ शर्मिंदा है इस्लाम से, और वो जान के ऐसी रूलिंग बताते हैं कि जिसमें ये जुमला नहीं बोल सकते कि इसराइल का होना असल में एक बहुत बड़ा मसला और गुनाह हो चुका। ये जुमला बोलने के पीछे कोई खास हिम्मत नहीं चाहिए, इट्स अ कॉमन सेंस थिंग, अलॉट ऑफ नॉन मुस्लिम्स आर सेइंग दैट, इवन ज्यूज आर सेइंग दैट। सबसे लाउड वॉइस इसकी ज्यूज खुद निकाल रहे हैं कि ये हमारे मजहब में है ही नहीं, ये दो नंबरी जो तुम लोगों ने किए। और मूसा ने कोई तूर से निकल के सबसे पहले क्या तोड़ा था, सबसे पहले क्या किया था, आते ही वो मंदिर तोड़ा था, इन्होंने खुद नीचे बना लिया। ये बशराबाद में हुआ हुआ क्या कि यहूदी अलग से एंटिटी नहीं क्रिएट कर सकते, ये इस्लाम, ये मतलब मूसा ने कहा था ये इस्लाम नहीं है, तुम पूरी दुनिया के ऊपर सिस्टम नाफज करने आए। डायरेक्ट मूसा की हदीस सुना रहा हूं आपको, जो यहूदी खुद सुनाते हैं,
हमें भी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था। देखो जो अब मौलवी साहब नहीं मानते कि इंसान को दुनिया की खिलाफत ही के लिए अल्लाह ने पैदा किया है, मौलवी साहब कहते नहीं नहीं वो खिलाफत तो अल्लाह ने बोलना, वो कुछ और हो जाएगा। सो यहूदी सबसे पहले खुद कह रहा है कि भाई इस बीमारी को डिसमेंटल कर दो, हम कहें तो फॉर सम रीजन एंटी सेमिटिज्म में आ जाता है। इट्स अ कॉमन सेंस थिंग, सोल्यूशन बेटा यही है। अब इसकी तरफ जाना है कितने साल लेंगे, 5 साल तक 10 साल तक मैं कोशिश करूं, क्या पता जिंदगी हो ना हो, मगर इतनी है। उसके बाद आप लोगों ने कैरी फॉरवर्ड करना है ना कि भाई सोल्यूशन असल में यही है। उसके लिए किताबें आपने ना पढ़ी हुई, स्किल आपने ना ली हुई, पॉलिटिक्स आपको ना आती हुई, रिसोर्स आपके पास ना हुई, मोरालिटी आपके पास नहीं, आपकी किसी ने बात नहीं सुननी, फिर जज्बाती नारे और रैलियां ही निकलेंगे। मुसलमान कभी रैलियां नहीं निकालता, याद रखिएगा। मुसलमान अपाहज, मुसलमान बुजुर्ग, लागर, ज़ईफ किस्म के मुसलमानों को ज्यादातर रैलियां निकालने और प्रोटेस्ट करने की, मुसलमान की गैरत के खिलाफ है कि रोड पे खड़ा होकर झंडे लहरा रहा हो मुझे बचाओ मुझे बचाओ। ओके, अबू जहल ने मक्के में हमला कर दिया और मदीने में सहाबा नाउज़ बिल्ला प्लाक कार्ड लेकर रैलियां निकाल रहे, ये इस्लाम प्रेजेंट कर रहा है, ये मुसलमान की गैरत है। वी गो एंड निप द ईविल फ्रॉम द सोर्स, हाथ से पकड़ने वाले लोग हैं, और वो हाथ क्या है, पॉलिटिक्स का हाथ है वो। ओके, यू नीड टू पुट प्रेशर, हाउ यू क्रिएट प्रेशर, हाउ यू गेट नंबर्स, हाउ यू क्रिएट प्लेटफॉर्म्स, इट्स अ सिंपल स्पाइरल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। सर साहिल इदीन के ये वीडियो स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स हैं, मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स को सर साहिल इदीन का मोटिव समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर।